नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेलिमोन का रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले इस पर घोषणा की है, सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। आर्थिक, वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे और इसका उपयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे। इस ई कंटेंट में जो जानकारी की गई है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है। तो प्रॉन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ब्रैंकियोस्टिजीट्स या गिल कवर, दूसरे एपिपोडाइट्स और तीसरे हैं गिल्स या ब्रैंकिए। ये जो डायग्राम है ये सिफेलोथोरेक्स की TS है, जिसमें आप गिल चैम्बर्स इसके देख सकते हैं। और जो गिल चैम्बर्स होते हैं उनकी जो अंदर की तरफ उनकी जो मार्जिन होती है वो डिफाइन होती है थोरेक्स की एपिमेरॉन के द्वारा, और बाहर की तरफ इसकी मार्जिन डिफाइन होती है बाय द ब्रैंकियोस्टिजीट या गिल कवर के द्वारा। आप देख सकते हैं कि गिल चैम्बर्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कंप्रेस्ड होते हैं, बहुत छोटा स्पेस होता है, और गिल चैम्बर सभी तरफ से खुले होते हैं, केवल डॉर्सल साइड पे वो बंद होते हैं। गिल चैम्बर्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो काफ़ी पतली और झिल्ली की तरीके से होती है, और उसमें बहुत छोटे छोटे ब्लड लैक्यूनी होते हैं। ब्लड लैक्यूनी जो होते हैं वो उन सर्फेसेस की तरह काम करते हैं जहाँ पर कि जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है वो डिफ्यूज़ होती है ब्लड के अंदर, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ हो जाती है पानी के अंदर। नेक्स्ट है एपिपोडाइट्स। एपिपोडाइट्स जो होते हैं वो पत्ती के आकार के, आप देख सकते हैं पत्ती के आकार की आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि मैक्सिलिपीड्स के कॉक्सा से अटैच्ड होती हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड होता है उसमें एपिपोडाइट्स जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, जबकि जो सेकेंड और थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड है उनके जो एपिपोडाइट्स होते हैं वो सिंगल लोब्ड होते हैं। और मैक्सिलिपीड्स जो होते हैं वो गिल चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और मैक्सिला के स्क्रैफोग्नेथाइट के नीचे होते हैं। गिल्स जो होते हैं टोटल 8 गिल्स होते हैं, और प्रत्येक गिल अपने से अगले वाले या अपने से पहले वाले गिल के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। पेलिमोन में जो गिल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और इनका नाम जो होता है तो उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन और अटैचमेंट के अनुसार इनका नाम होता है। तो सबसे पहले पोडोब्रैंक या फुट गिल्स। पोडोब्रैंक या फुट गिल्स वो गिल्स हैं जो कि किसी भी अपेंडेज के कॉक्सा के साथ अटैच्ड होते हैं। तो एक पोडोब्रैंक अटैच्ड होता है सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड के साथ। दूसरे होते हैं आर्थ्रोब्रैंक्स या जॉइंट गिल्स। ये वो गिल्स हैं जो कि उस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं जो कि उसको अपेंडेज को थोरेक्स के साथ जोड़ती है। दो आर्थ्रोब्रैंक्स प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन में थर्ड मैक्सिलिपीड की। तीसरी प्रकार के गिल हैं प्लूरोब्रैंक या साइड गिल। ये गिल्स जो होते हैं किसी भी सेगमेंट की जिसमें लिम्ब्स हैं उसकी लेटरल वॉल से अटैच्ड होते हैं। तो इसमें 5 पेयर प्लूरोब्रैंक के होते हैं जो कि जो पिछले वाले 5 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं जिनमें वॉकिंग लेग्स होते हैं उनके साथ 5 प्लूरोब्रैंक्स अटैच्ड होते हैं। ब्रैंकियल फार्मूला की अगर हम बात करें तो ब्रैंकियल फार्मूला जो होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और किस प्रकार से वो अरेंज्ड हैं ये उसका ब्रैंकियल फार्मूला बनाता है। तो प्रॉन में जो ब्रैंकियल फार्मूला है हम देखेंगे कि फर्स्ट मैक्सिलिपीड में एक एपिपोडाइट होता है, तो टोटल फर्स्ट मैक्सिलिपीड में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सेकेंड मैक्सिलिपीड में एक एपिपोडाइट होता है और एक पोडोब्रैंक होता है, इसलिए यहाँ पर 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जबकि थर्ड मैक्सिलिपीड में एक एपिपोडाइट होता है और 2 आर्थ्रोब्रैंक होते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉकिंग लेग में प्रत्येक में एक एक पेयर प्लूरोब्रैंक का होता है, तो इनमें एक एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो हम टोटल देखेंगे कि एपिपोडाइट्स के टोटल 3 हैं, 3 पेयर हैं, पोडोब्रैंक 1 पेयर हैं, आर्थ्रोब्रैंक 2 पेयर हैं और प्लूरोब्रैंक्स 5 पेयर हैं, और इस प्रकार से ये 11 पेयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हो जाते हैं।
गिल्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो गिल्स जो होते हैं वो क्रिसेंट्रिक होते हैं या अर्धचंद्राकार होते हैं। गिल्स जो होते हैं ये फाइलोब्रैंक होते हैं। एक गिल रूट के द्वारा ये थोरैक्स से जुड़ते हैं और गिल के बिल्कुल बीच में एक मीडियन लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होता है जिसके ऊपर गिल प्लेट्स अटैच्ड होती हैं। गिल प्लेट्स की दो रोज होती हैं और गिल प्लेट्स अपने एक्सिस पर इस प्रकार से अटैच्ड होती हैं जिस प्रकार किसी एक किताब के पन्ने 90 डिग्रीज पर अपने साइड में अटैच्ड होते हैं। गिल प्लेट्स जो होती हैं वो रोम्बॉइडल होती हैं। और हमने ये देखा है कि प्रत्येक गिल अपने से अगले वाले गिल के से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस प्रकार गिल्स का साइज़ जो है वो आगे से पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन जो थर्ड पेयर है जो कि आर्थ्रोब्रैंक है वो सबसे छोटा होता है और वो सेकंड पेयर यानी कि जो पहला आर्थ्रोब्रैंक है थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड पे उसके नीचे छुपा रहता है। अगर हम गिल प्लेट्स की बात करें तो गिल प्लेट्स बिल्कुल बीच गिल के बीच में सबसे बड़ी होती हैं और दोनों साइड्स पे इनका साइज थोड़ा धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अगर हम गिल के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये ट्राइंगुलर, इसको हम सेक्शन काटते तो ट्राइंगुलर बेस आता है इसका और इसमें आउटर और इनर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। एक लेयर होती है एपिडर्मिस की और जो गिल प्लेट्स होती हैं इनमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक तो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं और एक क्लियर सेल्स होते हैं जो कि अल्टरनेट होते हैं, एक पिगमेंटेड सेल एक क्लियर सेल, इस तरीके से अल्टरनेट इनका अरेंजमेंट होता है। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका काफ़ी थिक लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। लेटरल साइड्स पे दोनों तरफ लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल होता है और इसके बिल्कुल बीच में एक मीडियन लॉन्जिट्यूडनल ब्लड चैनल होता है। वैस्कुलर सप्लाई या ब्लड सप्लाई जो होती है गिल की तो वो एक लैडर या सीढ़ी के आकार की होती है। गिल के अंदर जो ब्लड चैनल जाता है जो कि ब्लड लेकर के जाता है वो है एफरेंट ब्रैंकियल चैनल। एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जो ब्लड जाता है वो लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में जाता है और फिर लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल से मार्जिनल चैनल में जाता है और मार्जिनल चैनल से ये मीडियन चैनल में जाता है। मीडियन चैनल से गिल से ब्लड जो है गिल में से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ एफरेंट ब्रैंकियल चैनल। तो किसी भी गिल में जो कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है तो सबसे पहले जो नॉन एरेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा गिल में एंटर करता है। यहाँ से ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव में जाता है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव से ये लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में आता है ब्लड, लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल से फिर ये मार्जिनल चैनल में जाता है और इसी कोर्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन इसमें अंदर डिफ्यूज हो जाती है और मार्जिनल चैनल से फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल में और मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल से ब्लड बाहर जाता है निकल के गिल रूट के द्वारा कनेक्ट, ये एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा फिर ये पेरिकार्डियल साइनस में चला जाता है। तो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है इसमें, जो इसका गिल चैम्बर है उसमें एक वाटर करंट क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिला। जो मैक्सिला का स्कैफोमेथाइट होता है उसका बेलिंग एक्शन होता है, वो हर समय हिलता रहता है जिसकी वजह से जो वाटर करंट है वो बनता है गिल चैम्बर के पिछले हिस्से से आगे की तरफ। तो पानी जो है वो एंटर करता है गिल चैम्बर के पिछले हिस्से से और वो मैक्सिला की वाइब्रेशन के कारण वो आगे की तरफ आता है। जब वो आगे आता है पानी या वाटर करंट जब आगे गिल्स के ऊपर और एपिपोडाइट्स के ऊपर आता है तब यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन पानी से गिल्स में चली जाती है और ब्लड वेसल में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड की है वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाती है। अब ये पानी जो है स्कैफोमेथाइट के एक्शंस के द्वारा ये गिल चैम्बर से आगे की तरफ से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। पैलीमोन का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, अर्थात इसमें केवल इसमें ओपन स्पेसेस होते हैं। आर्टरीज जो इसकी होती हैं वो खुलती हैं ओपन स्पेसेस में, जिनको हम लैक्यूनी या साइनस कहते हैं। तो
जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनसेस या ब्लड लैक्यूने, ब्लड चैनल्स। ये ध्यान देना है हमको कि यहाँ पर वेन्स और कैपिलरीज नहीं होती हैं। पेलीमोन की जो पेरिकार्डियम है वो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है थोरैक्स के पोस्टीरियर पार्ट में, और ये एक काफ़ी बड़ा हीमोसीलिक चैम्बर होता है, सीलोम का पार्ट है ये, और इसमें इसको डॉर्सल साइनस कहते हैं या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका जो फ्लोर होता है पेरिकार्डियम का वो आगे की तरफ एक पतले हॉरिजॉन्टल सेप्टम के रूप में होता है, और ये बिल्कुल हिपैटोपैनक्रियाज के ऊपर होता है और गोनैड्स के ऊपर होता है। तो ये सैंडविच्ड होता है हिपैटोपैनक्रियाज और गोनैड्स और डॉर्सल वॉल के बीच में, उनके बीच में होता है। और ये जो सेप्टम है ये लेटरल साइड से भी अटैच्ड होता है बॉडी वॉल से, जिससे कि ये इसको हिलने से रोकता है, पेरिकार्डियम को अपनी जगह पर बना करके रखता है। पेरिकार्डियम जो होता है ये इनकम्प्लीटली फिल होता है ब्लड के द्वारा, जो कि इसको अलग अलग चैनल से मिलता है, और ये जो ब्लड है ये हार्ट में जाता है जो कि पेरिकार्डियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है इसका ट्रायंगुलर होता है, और इस तरीके से होता है कि जो उसका एपेक्स होता है या उसका जो नुकीला हिस्सा होता है हार्ट का वो आगे की तरफ होता है, और जो ब्रॉड बेस होता है वो पीछे की तरफ होता है। हार्ट का अगर हम सेक्शन काटेंगे तो वो स्पंज की तरीके से होता है, और हार्ट के आगे के हिस्से से एक मीडियन लॉन्जिट्यूडनल कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड होता है जो कि फाइब्रस टिश्यू का होता है, और ये हार्ट के एपेक्स से ये पाइलोरिक स्टमक तक जाता है, और हार्ट से ही दो लेटरल एंगल से दो स्ट्रैंड निकलते हैं, लेटरल स्ट्रैंड जो कि बॉडी वॉल से उसको अटैच करते हैं। ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये हार्ट को उसकी पोजीशन पे मेंटेन करते हैं। जो थिक और मस्कुलर वॉल होती है हार्ट की, इसमें पांच परफोरेशंस होते हैं, पांच पेयर परफोरेशंस के होते हैं जो कि वॉल्व की तरीके से होते हैं, स्लिट लाइक खांच की तरीके से ये अपर्चर्स होते हैं, और जो पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड होता है ये इन अपर्चर्स या ऑस्टिया के द्वारा ही हार्ट में एंटर होता है। ये ऑस्टिया जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं, जो पहला पेयर है वो है डॉर्सल ऑस्टियम का, जो सेकेंड पेयर है वो वेंट्रल साइड पर है वेंट्रल ऑस्टियम जो कि मिड वेंट्रल पोजिशन में होता है, जो थर्ड पेयर है वो है पोस्टीरियर पेयर ऑफ ऑस्टियम, ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पोस्टीरियर पेयर। उसके बाद फोर्थ पेयर जो होता है वो होता है एंटीरियो लेटरल, लेटरल साइड पे आगे की तरफ एंटीरियो लेटरल ऑस्टियम, और जो लास्ट या फिफ्थ पेयर होता है वो होता है पोस्टीरियो लेटरल ऑस्टियम का। नेक्स्ट पार्ट है आर्टरीज। हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है उस नैरो ट्यूब्स में। ये जो नैरो ट्यूब्स या आर्टरीज हैं इनकी काफ़ी मस्कुलर वॉल्स होती हैं, इनको आर्टरीज जो होती हैं इसमें प्रिंसिपली इसमें टोटल चार आर्टरीज होती हैं। तो सबसे पहले है मीडियन ऑप्थेल्मिकस। मीडियन ऑप्थेल्मिक जो है ये एक सिंगल आर्टरी है, अनपेयर्ड आर्टरी है, और ये हार्ट के एपेक्स से निकलती है और ये आगे की तरफ मिड डॉर्सली बीच से ये आगे की तरफ बढ़ती है रीनल सैक के ऊपर से होती हुई, और फिर ये दोनों साइड की एंटीनरी आर्टरी से जॉइन हो जाती है आगे। मीडियन ऑप्थाल्मिक आर्टरी के अलावा एंटीरियर साइड से ही एक पेयर निकलता है एंटीनरी आर्टरीज का। एंटीनरी आर्टरीज जो होती हैं ये एपिक से निकलती हैं और ये थोड़ा सा एंगल पे निकलती हैं। इनसे इनके निकलने के तुरंत बाद एक पेरिकार्डियल आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है पेरिकार्डियम को। एक इनसे कार्डियक ब्रांच निकलती है जो कि कार्डियक स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। एक गैस्ट्रिक ब्रांच निकलती है जो कि गैस्ट्रिक ब्रांच जो होती है ये सप्लाई करती है कार्डियक स्टमक को, और एक मैंडिबुलर ब्रांच ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एंटीनरी से गैस्ट्रिक ब्रांच निकलती है
पीछे की तरफ पेरिकार्डियम के लिए पेरिकार्डियल ब्रांच है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक, देन मैंडिबुलर आर्टरी एक निकलती है जो कि मैंडिबुलर मसल्स को सप्लाई करती है। इसके थोड़ा आगे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक डॉर्सल ब्रांच और एक वेंट्रल ब्रांच। डॉर्सल ब्रांच जो है ये आगे चली जाती है और जो वेंट्रल ब्रांच है ये फर्दर बाइफर ये डिवाइड हो जाती है। इसमें एक एंटीन्यूलर आर्टरी है जो कि एंटीन्यूल्स को सप्लाई करती है, रीनल आर्टरी है जो कि रीनल ऑर्गन को सप्लाई करती है ब्लड, और एंटीनल आर्टरी है जो कि एंटीना को सप्लाई करती है। जबकि जो इसकी डॉर्सल ब्रांच है, डॉर्सल ब्रांच से एक ऑप्टिक आर्टरी निकलती है जो कि आइज़ में ब्लड लेकर के जाती है, एक रोस्ट्रल आर्टरी है जो कि ब्लड लेके जाती है रोस्ट्रम में, और आगे की तरफ ये दोनों तरफ से मिल कर के बना लेती है सर्कुलर सिफेलिकस आर्टरी। नेक्स्ट जो मेजर आर्टरी है वो है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी भी एपेक्स से निकलती है वेंट्रोलेटरल साइड पर और एंटीनरी के जस्ट पीछे ये निकलती है, और फिर ये नीचे की तरफ हिपैटो पैनक्रियाज में चली जाती है, वेंट्रल साइड पे हिपैटो पैनक्रियाज में चली जाती है ये, और वहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है और सब डिवाइड होती है। फिर निकलती है मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी। ये एक छोटी लेकिन काफ़ी थिक आर्टरी होती है, मोटी आर्टरी होती है, और ये पोस्टीरियो वेंट्रल सरफेस से निकलती है हार्ट के, और फिर ये एकदम से बाइफरकेट हो जाती है। इसमें वेंट्रल साइड पर जाती, इसमें एक जाती है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी जो होती है इसको डॉर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी बोलते हैं, और ये पीछे की तरफ जाती है और पीछे की तरफ ये इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है हाइंडगट तक, और इसके अलावा ये ब्लड सप्लाई करती है मिडगट को यानी इंटेस्टाइन को और डॉर्सल एब्डोमिनल मसल्स तक। इसके बाद ये जो इसकी स्टर्नल ब्रांच है मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी की, स्टर्नल आर्टरी जो होती है सबसे स्टाउट या सबसे मोटी आर्टरी होती है बॉडी की, और ये नीचे की तरफ वेंट्रल साइड की तरफ जाती है हिपैटो पैनक्रियाज को क्रॉस करते हुए थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास को भी से निकलते हुए ये जाती है आगे की तरफ। ये जाती है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, वेंट्रल थोरैसिक ब्रांच जो कि आगे की तरफ जाती है और आगे ये सप्लाई करती है माउथ और स्टर्नल रीजन को, और तीन पेयर वॉकिंग लेग्स को, मैक्सिली और मैक्सिलियरी को। जो वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच होती है इसकी वो पीछे की तरफ जाती है और वहाँ पर ये सप्लाई करती है एनस को और वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन को ये सप्लाई करती है। जो नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का वो है ब्लड साइनसिस। आर्टरीज जो हैं बार बार ब्रांच होती हैं और कैपिलरीज या चैनल्स बनाती हैं। इसमें वेन्स पूरी तरीके से एब्सेंट होती हैं पैलीमोन में, और आर्टरीज जो हैं ब्लड साइनसिस या लैक्यूने में खुलती हैं हीमोसील के। जितने भी साइनस होते हैं बॉडी के वो इवेंचुअली दो इल डिफाइंड वेंट्रल साइनसिस में मिलती हैं जो कि हिपैटो पैनक्रियाज के नीचे होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स और हिप के नीचे। वेंट्रल साइनस जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं कई स्पेसेस पर। नेक्स्ट इज ब्लड चैनल्स। जो ब्लड चैनल्स होते हैं वो लैक्यूनर ट्यूब्स होती हैं जिनमें कोई वॉल्स नहीं होती हैं, या यहाँ पर देख सकते हैं ये गिल रूट्स हैं और ये ब्लड चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टोटल 6 ब्लड चैनल्स होते हैं इसमें, क्योंकि 6 एफरिन ब्रैंकियल चैनल्स जो हैं ये वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रल साइनस से गिल्स की ओर लेकर के आते हैं। तो ये चैनल जो है ऊपर की तरफ जाते हैं लेटरल वॉल्स में। आप यहाँ पे ये देखिए, ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये फर्स्ट गिल है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। इस तरीके से चैनल्स ऊपर की तरफ जाते हैं और ये पोडोब्रैंक्स में और दो आर्थ्रोब्रैंक्स में, और बाकी के जो 5 चैनल्स हैं वो प्लूरोब्रैंक्स में ब्लड सप्लाई करते हैं। ये अब यहाँ पे ये इन द गिल्स में जाकर ये एरेट हो जाते हैं, और फिर ये यहाँ से ब्लड जाता है पेरिकार्डियल साइनस में 6 एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स हैं और नीचे एफरेंट ब्रैंकियल
चैनल्स हैं। पेलीमोन में जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और काफ़ी पतला और वाटरी फ्लूड होता है। इसके अंदर फ्लोटिंग एमीबॉइड कॉर्पसल्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो कि किसी भी माइक्रोबियल इन्वेजन से एनिमल को बचाते हैं। इसमें कोई भी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं ब्लड में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है यहाँ पर हीमोसाइनिन होता है, जिसमें कि जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। ये कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जैसे कि हायर एनिमल्स में हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यहाँ पर कॉपर होता है। और हीमोसाइनिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये ब्राइट ब्लू कलर का हो जाता है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है तब ये कलरलेस हो जाता है। तो प्लाज्मा ही यहाँ पर फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को डिजायर्ड ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम पोर्ट्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट से ब्लड आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से आर्टीरियल ब्रांचेज में या विसरल अपेंडेजेस में जाता है, वहाँ से ब्लड लैक्यूनी में जाता है हीमोसील के, फिर वेंट्रल साइनस में जाता है, वेंट्रल साइनस से एफरेंट ब्रैंकियल चैनल में जाता है, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में, वहाँ से मार्जिनल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में, फिर मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल में। ये इतना जो सर्कुलेशन है ये गिल्स में होता है, लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में, मार्जिनल लॉन्जिट्यूडनल चैनल और मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल। मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल से एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा ये पेरिकार्डियल साइनस में पहुँचता है, वापस हार्ट में ब्लड पहुँच जाता है। तो ये जो मैंने टॉपिक तैयार किया है ये मैंने दो किताबों से तैयार किया है, आरएल कोपाल की फ्रेश मॉडर्न टेक्स्ट बुक इन जूलॉजी पायरस्लोगी पब्लिकेशंस, और ईएल जॉर्डन एंड पीएस वर्मा की इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय एस चांदन कंपनी। थैंक यू।